अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो नाज़रीन, आज हम लाल लोबिया बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने स्मॉल साइज़ की प्याज डाली है, इसको थोड़ा मैं गोल्डन करूंगी। और इसके अंदर जो शामिल किए जाएंगे मसाले वो ये हैं, और इसमें हसबे ज़रूरत जो है मैंने ऑयल शामिल करा है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने जो है तकरीबन ये जो इसका कफगीर होता है सालन का, वो 2 कफगीर डाले हैं। तो नाज़रीन, इसके अंदर एक जो है बड़ा टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है, हसबे ज़ायका नमक है, 1.5 चम्मच जो है मतलब 1.5 यानी 3 टीस्पून जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, क्योंकि उसका तो आपका कोई हिसाब नहीं, सबके चमचे अलग अलग होते हैं। और ये 1/4 टीस्पून जो है मैंने पिसी हुई हल्दी ली है। तो प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो जाए तो फिर इसको हम डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। ये मैंने इमाम दस्ते में कूट के रखा था लहसुन अदरक का पेस्ट, पहले तो ये शामिल होगा इसमें। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी, ताकि जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए। और मैं हमेशा हमाम दस्ते में ही कूट के डालती हूँ, क्योंकि जो जायका और जो खुशबू इसकी आती है वो मशीन के अंदर पीसे हुए मसाले की बिल्कुल नहीं होती, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो या तो सिल पे पिसा हुआ हो या हमाम दस्ते में कूट के, आपने भी देखा होगा कि जो लोग देगें पकाते हैं, खाने पकाने का काम करते हैं, वो भी हमाम दस्ते में ही कूटते हैं। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक डाला है पिसा हुआ, ठीक है, इमाम दस्ते। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार चीज़ें बनती हैं, और जो मशीन के अंदर पीस के मसाले यूज़ करते हैं उसकी खुशबू और जायका बिल्कुल अलग हो जाता है। तो नाज़रीन, अब ये भुन चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये टमाटर और मसाला। और टमाटर को हम इतनी देर तक इसमें भूनेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, कि ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भुना करें, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन सालन जो है ना बड़ा लाजवाब बनता है, खाने वालों को भी मज़ा आ जाता है, लेकिन नाशुकरों को मज़ा नहीं आता। आप कितना भी अच्छा अपनी जान लगा के पका के खिला दें, जो नाशुकरे लोग होते हैं ना कदर, उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो तो हर चीज़ में जो है ना बस सिर्फ नुक्स निकालना जानते हैं, ऐसे लोगों से मेरा भी बहुत वास्ता पड़ा। नाज़रीन, ये लाल लोबिया है और ये कम से कम जो है ना 8 घंटे भिगोया हुआ है, वरना अगर दोपहर में पकाना है ना तो आपने पूरी रात जो है ना इसको भिगो के रखना। देखें कितने अच्छे तरीके से ये मतलब भीगे हैं कि इनका छिलका भी फट गया है ना, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं या बहुत मज़ेदार लगते हैं पकने के बाद। तो ये है कि ज़्यादा भिगोना चाहिए इनको, ताकि अच्छे तरीके से भीग जाए, और पकते टाइम ना फिर ये सही से गल जाते हैं। और अगर आप 2-3 घंटे भिगोएंगे नहीं, ये कभी गलेंगे नहीं, खड़े खड़े रहेंगे। और नाज़रीन, ये जो है हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर मतलब टमाटर के साथ दही भी शामिल कर सकते हैं, या टमाटर नहीं डालें तो खाली दही डाल लें, ठीक है। और अगर इसकी ग्रेवी और बढ़ानी है तो आप लहसुन अदरक के साथ जो है ना 2 डली प्याज भी पीस सकते हैं, और टमाटर की मकदार भी बढ़ा सकते हैं, 3-4 टमाटर कर दें, बहुत मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार होगी। तो नाज़रीन, ये मैंने इसलिए इतनी कम ग्रेवी रखी है कि मैंने अलग से जो है कोरमा बना के रखा हुआ था, तो ये शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। और आप भी इस तरीके से करके बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे ये, ठीक है। ये मैंने अलहदा से कोरमा बना के रखा हुआ था, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा लोबिया का सालन बन के तैयार होगा। और अगर आप रोटी से खाना चाहें तो इसको भून के बना दें, बिल्कुल ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं रखें, शोरबा नहीं रखें, ठीक है। और अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो आप इसके अंदर जो है थोड़ा पानी ज़्यादा शामिल करके और शोरबा बना लें और चावलों के साथ खाएं, तो बहुत ही मज़ेदार होंगे।
तो ये हमारे बहुत मज़ेदार से कोरमा लोबिया तैयार है, ठीक है ना। ये कोरमा लोबिया है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लोबिया, और इसके अंदर मैं फिर शामिल करूँगी देखें नाज़रीन माशाल्लाह शक्ल से भी कितना प्यारा लग रहा है ये। अब इसके अंदर मैं इसका गलाने का पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए, तो बस ये अच्छे तरीके से डूब जाए इतना पानी शामिल करना है, ठीक है। और इसको सिलो आँच के ऊपर हम रख देंगे पकने के लिए ताकि अच्छे तरीके से गल जाएंगे। नाज़रीन ये हमारी डिश बन के तैयार हो चुकी है, इसको कहते हैं राजमा। आप भी बना के देखिएगा इंशाल्लाह, फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह।